बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के पोते करण देओल की शादी काफी धूमधाम से हुई। इसमें धर्मेंद्र ने भी खूब जलवा बिखेरा, पर वो सिर्फ सगाई के बाद शादी में ही दिखे और किसी प्री वेडिंग फंक्शन में वो नजर नहीं आए, क्योंकि वो कह चुके थे कि वो सिर्फ अपने पोते करण की शादी में शामिल होंगे, बाकी फंक्शंस में नहीं। क्या आप जानते हैं कि आखिर धर्मेंद्र ने ऐसा क्यों कहा है, इसके पीछे की वजह क्या है? अगर नहीं तो चलिए हम आपको इन सब सवालों का जवाब देते हैं, मगर ये सब जानने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सालों बाद अभिनेता धर्मेंद्र और सनी देओल के घर में खुशियां आई हैं। सनी के बेटे करण की शादी की शहनाइयां जो बजी हैं। जी हां, सनी ने अपने बेटे और धर्मेंद्र अपने पोते करण देओल की शादी उनकी बचपन की दोस्त और लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड दिशा आचार्य से करवा चुके हैं, जिसमें धर्मेंद्र भी अपना रंग जमाते हुए नजर आए हैं। पर धर्मेंद्र को शादी से पहले के फंक्शन जैसे कि हल्दी मेहंदी में नहीं देखा गया, जो काफी धूमधाम से हुए थे, जिसमें देओल परिवार बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था। साथ ही सभी काफी खुश दिखाई दे रहे थे, मगर इसी बीच अभिनेता धर्मेंद्र ने ये कहा है कि वो करण के प्री वेडिंग फंक्शन को छोड़कर सीधा उनकी शादी में शामिल होंगे। पर सवाल ये उठता है कि आखिर धर्मेंद्र ने ऐसा क्यों कहा था? तो आपको बता दें कि धर्मेंद्र को लगा कि अगर वो प्री वेडिंग फंक्शंस में शामिल होंगे तो बच्चे खुलकर एंजॉय नहीं कर पाएंगे और उनके सामने काफी ज्यादा हिचकिचाएंगे, जो कि धर्मेंद्र नहीं चाहते। धर्मेंद्र चाहते हैं कि बच्चे खुलकर एंजॉय करें, फंक्शन को अच्छी तरह से सेलिब्रेट करें और किसी भी तरह की झिझक महसूस ना करें, इसलिए वो सीधा शादी में शामिल होंगे, ना कि और फंक्शंस में। और ऐसा हुआ भी, धर्मेंद्र सगाई के बाद हल्दी मेहंदी में नजर नहीं आए, लेकिन घर वालों के काफी ज्यादा कहने पर वो संगीत में जरूर शामिल हुए थे। इसके बाद वो सीधा शादी में शिरकत करते हुए दिखे थे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि धर्मेंद्र का ये फैसला सही था? कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही तमाम खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।